आपको ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो आपके द्वारा बेमाप लोगों को लाभ होता रहेगा, बेमाप। फिर आपके द्वारा इतना अमाप सेवा, इतना अमाप मंगल होगा कि आप बोलेंगे, लोगों के बीच होंगे तो लोगों का मंगल, अगर आप चुप और मौन रहे तो ब्रह्मलोक तक के जीवों को आपके अस्तित्व से मदद मिलती रहेगी। देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर उसका दीदार करके, दर्शन करके अपना भाग्य बना लेते। ऐसा ब्रह्म ज्ञान आप एक साल के अंदर पा सकते हैं। इस पद के बराबरी दुनिया की कौन सी पदवी है बताओ, एक साल के अंदर बस लग जाए। कईयों के पास समय होता है तो श्रद्धा नहीं होती, कईयों में श्रद्धा होती है तो फिर सूझबूझ नहीं होती, किसी के पास सूझबूझ होती तो पानी की तड़फ नहीं होती। श्रद्धा भी है, सूझबूझ भी है तो पानी की तड़फ नहीं। कहीं कहीं पाने की तड़प होती तो ऐसा मार्ग बताने वाला गुरु नहीं होता। एक साल पूरा बहुत हो गया, 8 महीने 6 महीने में भी हो सकता है का। हमारा तो 40 दिन में हो गया, एक साल का पूरा कोर्स हुआ ही नहीं, 40 दिन में काम बन मैक्सिमम 1 आवर। इतना ऊंची चीज और इतना आसानी से, एक साल में ग्रेजुएशन तो नहीं होता। नारायण नारायण। लेकिन क्या करें, थोड़ा बिजनेस करें, थोड़ा इधर जाए, थोड़ा उधर जाए, थोड़े थोड़े में थोड़े ही हो जाते। पूरा लग जाए तो पूरा पूरा प्रभु आराध्या, पूरा जा करना नानक, पूरा पाए पूरे के गुण में, तो पूरा ब्रह्म साक्षात्कार। बहुत ऊंची स्थिति है, लेकिन ऊंची स्थिति का अनुभव करने के बाद अपने में अहम नहीं रहता कि मैंने ऊंची स्थिति का अनुभव किया। जो कट्टर दोषी होता है ना, उसको पता नहीं चलता मेरे में दोष है, भले ठीक है मैंने क्या बुरा किया। दोषों से अलग होगा तब लगेगा ये दोष है। ऐसे ही जो गुणों से अलग रहता है महानता से, तब उसको लगता है मैं महान। जब महानता से एक हो गया तो उसको ही नहीं लगता कि मैं महान। शकर को पता ही नहीं कि मैं मीठी हूँ, मैं सबको मिठास देती हूँ, शकर बोलती है क्या, उसको पता ही नहीं होता, उसका स्वभाव है। ऐसे ब्रह्मज्ञानी का स्वभाव ब्रह्म स्वरूप होता है। लोग बोलेंगे हमको बड़ी शांति देते, सुख देते, कृपा करते, फलांक होते, ये दिए, लेकिन ज्ञानी को अंदर में ये नहीं होता कि मैंने इतना दिया उतना नहीं दिया। शकर तोलती है क्या, मैंने इतनी मिठाइयों को मिठास दी। सूरज नापता है क्या, इतने लोगों को मैंने रोशनी दी, इतने लोगों को शीतलता दी। चंद्रमा मापता है, गंगा जी मापती है क्या, इतना केवी गैलन मैंने वाटर दिया, केवी स्क्वायर फुट मैंने इतना पानी दिया। ऐसा होता है। फिर आपके द्वारा इतना अमाप सेवा, इतना अमाप मंगल होगा कि आप बोलेंगे, लोगों के बीच होंगे तो लोगों का मंगल, अगर आप चुप और मौन रहे तो ब्रह्मलोक तक के जीवों को आपके अस्तित्व से मदद मिलती रहेगी। जैसे हिमालय के अस्तित्व से टेम्परेचर डाउन होता है, तापमान कम हो जाता है, ऐसे ही ब्रह्म ज्ञान में मस्त रहो तो वातावरण में अशांति डाउन हो जाएगी। जिन देशों में ब्रह्मज्ञानी हैं उन देशों में इतनी अशांति नहीं है जितनी ब्रह्मज्ञानी रहित देशों में है। बराबर है, जितने जिन देशों में ब्रह्मज्ञानी महापुरुष नहीं है, जिन प्रांतों में देशों में, वहां अशांति ज्यादा होगी। अगर ब्रह्मज्ञानी होंगे तो उतनी अशांति नहीं होगी। फिर भले कोई अशांत इलाके में लोग अशांत रहते हो, फिर भी सुबह सुबह उस ब्रह्मज्ञानी का तो ब्राह्मी व्यवसों से शांतिमय सुखमय वातावरण होता है। सूर्य माप नहीं सकता कि मैं कितने लोगों को जीवन देता हूँ, शांत प्रकाश देता हूँ। ऐसे आपको ब्रह्मज्ञान हो जाएगा तो आपके द्वारा बेमाप लोगों को लाभ होता रहेगा, बेमाप।
अभी बोलते हैं हम सेवा करें, बच्चों की सेवा करें, पत्नी की करें, कुटुंब, तो चार की करके सेवा, छह की करके मर जाना, इससे तो करोड़ों करोड़ों की सेवा करो ब्रह्म ज्ञान पाके। वो एक लड़का था, पहले के जमाने में बचपन में शादियां कराते थे, तो एक मुखी का छोरा था, तो अपने गोद में लेके बेटे को, और उसने बेटी गोद में ली, 5-6 साल के बच्चों की शादी हो जाती थी, तो इतने में बाहर डुगडुगी बजी, वो बंदर नचाने वाला आ गया, तो जो दुल्हा था ना बच्चा, वो उठ के भागा, बेटा बोले ठहर ठहर, बेटा, बाप ने बोला बेटा ठहर, अभी शादी बाकी है, फेरा फिर ले बेटा, बोले पापा तुम फिर लेना, मैं तो जाता हूँ, मैं तो बंदर देखने जाता हूँ, हूँ माकड़ा जो आज उछूगे, अरे बेटा तेरे फेरे फिरने बाकी है, कि बोले पापा तुम फिर लेना, मैं तो बंदरियाँ देखने जा रहा हूँ। नारायण, बाप ने बोला बेटा अभी थोड़ा ब्राह्मण को विधि करने दे, और डुगडुगी बजी और छोरा भागने लगा, बेटा तू दूल्हा है, बैठ बैठ, थोड़ा अभी फेरे फिर ले दुल्हन के साथ, पापा तुम फिर लेना, मैं तो बंदरियाँ देखने जाता हूँ। ऐसे ही है संसार के फेरे फिरते तो बंधन में आते हैं, लेकिन भगवत फेरे फिरते तो बंधन से मुक्त हो जाते। बोले बापू जी आप ही कर लेना। खाली 1 घंटा 80 मिनट ओमकार का जाप, 1 घंटा 80 मिनट, नहीं 180 मिनट ओमकार का जाप, 3 घंटे ध्यान, 3 घंटे योग वशिष्ठ विचार, 3 घंटे सत्पुरुष की सेवा, 1 साल के अंदर परमात्मा साक्षात। बंदरियां देख देख के 50 साल हो गए, अभी तक साक्षात्कार नहीं हुआ, 1 साल लगता तो बाप बोलता है बेटा राज दरबार में राज संभालो, और गद्दी पे बैठा और दौड़ के बंदरियां देखने जा रहा है। ऐसे बच्चे पर हंसी आती है तुमको, ज्ञानी को तुम्हारे पर हंसी आती। जैसे वो बच्चा मुखी का बच्चा, एक था ऐसा भोजू, लेकिन ज्ञानी के आगे तो हजारों ऐसे भोजू बच्चे। मैं जरा ड्यूटी करके आता हूँ, मैं जरा ये करके आता हूँ, मैं जरा ये कर दूँ, मैं जरा वो कर दूँ। नारायण नारायण नारायण, वो छोटे छोटे बच्चों की शादी हो जाती थी, तो ब्राह्मण लोग विधि कर रहे थे, इतने में डुगडुगी बजी, तो जो दुल्हा बन रहा था छोरा, वो भागा, उसका बाप बोलता बेटा बेटा ठहर जरा, शादी करनी है तेरे को, फेरे फिरने, बोले पापा तुम फिर लेना, मैं बंदरियां देखने जा रहा हूँ। बंदरियां देखने जा रहा हूँ। ऐसे ही है हमारा मन भी, मुखियों का मुखी परमात्मा है, उन्हीं के हम संतान है। शादी माना शाद आबाद रहने वाली यात्रा करने को गुरु कराते हैं, लेकिन थोड़ी दिन साधना बजा के फिर अपने अपने घर भाग गए, बाकी का गुरुजी तुम करते हैं। चलो ठीक है, ये तो इसे भी वरी विधि पो कब, जैसे शादी 10 बार नहीं की जाती, 1 बार में ही निपट लेना होता है, ऐसे ही साधना में लगे तो 1 बार ही निपटारा कर लेना चाहिए। थोड़ी वेदी अभी पढ़ी, आधी वेदी फिर 2 साल के बाद पढ़ी, फिर एक फेरा अभी फेरा, दूसरा फेरा 1 साल के बाद फेरा, तीसरा से फेरा 2 साल के फेरा, फिर कहीं चले गए, फिर 5 साल के बाद एक फेरा फेरा, तो शादी है कि भैया मुझ मखोल है। माइयाँ भी जानती है कि भोजन में 7 तत्व होता है तो भोजन बनता है। अभी गैस जलाया, 1 घंटे के बाद फिर तपेली रखी, 2 घंटे के बाद पानी डाला, 3 घंटे के बाद सब्जी डाली, तो गैस भी चट, सब्जी भी चट, समय भी चट, कंटिन्यूटी चाहिए। ऐसे ईश्वर प्राप्ति में 7 तत्व चाहिए। ऐसा कभी होता है कि गैस जला दिया, फिर 1 घंटे के बाद तपेली रखो, फिर 1 घंटे के बाद तपेली में पानी डालो, फिर 1 घंटे के बाद तपेली में सब्जियां डालो, फिर 1 घंटे के बाद मसाला डालो, फिर 1 घंटे के बाद घी डालो, तो सब्जी हाथ में आएगी कि दूसरा कुछ हाथ में आएगा? कहीं ईश्वर प्राप्ति में भी ऐसा तो नहीं हो रहा है? ऐसा ना मालूम,
સાતત્ય નથી એટલે પછી નારાયણ નારાયણ રામતીર્થ બોલતે થે મેને ક્યા વો અંધા ભી નહીં કરે ઘર મેં ખો બેઠા થા વિશ્વ ધણી મેં કર્યું તો આંધળો પણ નહીં કરે હો ઘરમાં કોઈ બેઠો તો ઘર ધણી જો હાજરા હજુર થા અપના આપા થા ઉસી કો અપને આપ મેં ખો કે બેઠા થા જો શરીર હમ નહીં હૈ નહીં રહેંગે ઉસકો મેં માન રહે જો હમ થે હૈં ઓર રહેંગે ઉસકા આજ તક પતા નહીં આપ બોલતે રહો હમ તો સત્સંગ પ્રૂફ હો ગયે કોઈ વોટર પ્રૂફ શોક પ્રૂફ ફેન પ્રૂફ સો એન્ડ સો પ્રૂફ હમ સત્સંગ પ્રૂફ હો ગયે એક દાદાજી આયે તો ઉસકે નજીક આકે ઉસકા પોતા બેઠા બોલે બેટા ચલા દે ચલા દે અભી તો બચ્ચા હૈ તો મહારાજ ને કહા સત્સંગ સુનને દો બોલે મહારાજ ઇસકો રંગ લગ જાયેગા તો ફિર બોલે લગ જાય તો અચ્છા હૈ તુમકો તો નહીં લગા બોલે મહારાજ હમ તો ચિકને હૈ ને સત્સંગ પ્રૂફ હૈ યે તો કોરા હૈ ચિકને ઘડે હૈ હમ પર પાણી નહીં ઠહેરતા લેકિન યે તો કોરા ઘડા હૈ ઇસ પે તો રંગ લગ જાયેગા इसीलिए हमने बाल संस्कार चालू किए ताकि उसमें से कोई कोरे कोरे मिल जाता थे ये तो चिकने हैं सब संसार का लगा लगा क्या है कई कोटेशन चढ़े शुगर कोटेड गोलियां होती ना यहाँ संसार कोटेड व्यक्ति हो गए संसार कोटेड शुगर कोटेड को गोलियां होती है ऐसे ही हम लोगों का हृदय बुद्धि संसार कोटेड हो गया दूसरी चीज ऊपर ऊपर से आके चली जाती है कोई प्योर मिले अनकोटेड कोई प्राणी मिले तब हाँ अच्छा जी इतना बोलने पे कितने तैयार हो गए बंदरी नहीं नचाने को